नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राना प्रताप रॉय आपका दोस्त दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है डेरी फायल ओडी थ्री हंड्रेड और डेरी फायल ओडी फोर फिफ्टी एम जी ये जो दोनों मेडिसिन है दोनों मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम ही है बस इसके अंदर जो मेडिसिन है उसका जो एम जी है उसमें अंतर है और उसके प्राइस में अंतर है साथ साथ इसका जो डोज है उसमें भी अंतर है तो इसको किस प्रकार से लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए कैसे ये फायदा करता है तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके जो डेरीफाइलिन ओडी टैबलेट है ये दो दवाओं का एक कम्बिनेशन युक्त मेडिसिन है इसके अंदर पाया जाता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन इटोफाइलिन ये एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है और इसका काम होता है सांस नाली की दीवार को रिलैक्स करना उसको फैलने में मदद करना ताकि सांस लेने में आसानी हो साथ साथ इसके अंदर पाया जाता है थियोफाइलिन थियोफाइलिन ये भी एक प्रकार का जैंथिन ग्रुप का ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है और इसका काम होता है सांस नली की जो दीवार है उसको रिलैक्स करना उसको फैलने में मदद करना उसमें किसी प्रकार का कंजेशन जकड़न हो उसको दूर करना साथ साथ उसको खुला रहने में मदद करना तो दोनों ही जो दवा है ये ब्रोंकोडाइलेटर ही है और इसका कम्बिनेशन डेरीफाइलिन ओडी टैबलेट में होने की वजह से जब आपका अस्थमा सी और ब्रोंकाइटिस की जो समस्या है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है सीने में घड़घड़ाहट फुसफुसाहट की आवाज़ होती है सीने में भारीपन है दर्द है तो उस समय अन्य मेडिसिन के, के कम्बिनेशन के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं ये जो डेरीफाइलिन 300 का जो टैबलेट होता है इसके अंदर इटोफाइलिन जो है 231 थर्टी में दिया गया है और जो थियोफाइलिन है वो 69 एमजी में दिया गया है साथ-साथ इसके जो ओडी 450 एमजी का जो टैबलेट है इसके अंदर इटोफाइलिन 346 एमजी और जो थियोफाइलिन है वो 104 एमजी में दिया गया है साथ-साथ अगर इसकी प्राइस की बात करें तो डेरीफाइलिन ओडी 300 का जो 15 गोली का एक पत्ता होता है वो आपको ₹130 का मिल जाता है और अगर इसके जो ओडी चार सौ के एक पत्ते की बात करें तो इसका जो 15 गोली का एक पत्ता होता है वो आपको एक सौ का मिल जाता है ये जो मेडिसिन है ये किस प्रकार से काम करता है देखिए ये जो दोनों मेडिसिन का कम्बिनेशन है ये दोनों ही ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है और इसका काम होता है सांस नली की जो दीवार है उसको फैलने में मदद करना उसमें किसी प्रकार का जटिलता है जकड़न है उसमें टाइटनेस है तो उसको रिलैक्स करना जिसकी वजह से यार पासिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है इसके साथ में डॉक्टर और भी दवाई आपको दे सकते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक है कोई वो दे सकते हैं कोई एस्टेरॉयड आदि देते हैं एंटासिड आदि देते हैं मल्टीविटामिन आदि का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं साथ साथ इन्हीशन की भी सलाह डॉक्टर आपको दे सकते हैं तो ये जो दोनों दवाओं का कंबिनेशन है हमेशा डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए किसी प्रकार के मामूली जो सांस लेने में दिक्कत आदि होती है तो उस समय इसका, इसका इस्तेमाल ना करें इसका इस्तेमाल जो क्रॉनिक जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उसमें ही लेना चाहिए सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस आदि जो समस्या होती है जिसकी वजह से सीने में दिक्कत होती है सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए इसके अंदर जो थियोफाइलिन है चाहे वो 300 सौ का हो या फिर 450 सौ का हो दोनों में ही जो थियोफाइलिन है वो प्रोलॉन्ग रिलीज फॉर्म में दिया गया है जो कि धीरे धीरे लंबे समय तक काम करता है इसलिए इसका आमतौर पर एक गोली दिन में एक ही बार दिया जाता है भोजन के बाद दिया जाता है और पानी से दिया जाता है गुनगुना पानी से देना ही सर्वोत्तम होता है जरूरत होने पर ये जो 300 सौ का टैबलेट है इसको दिन में दो बार भी दिया जाता है प्रॉब्लम ज्यादा हो तो लेकिन इसका जो 450 सौ का जो टैबलेट है ओडी तो ये जो है आपको सिर्फ एक ही बार देना होता है जब ज्यादा दिक्कत हो तो उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करके इसका 300 सौ का जो ओडी टैबलेट है उसका इस्तेमाल करें अगर आपको दो बार लेना होता है तो अगर एक बार लेने की जरूरत है प्रॉब्लम ज्यादा है और क्रॉनिक है तो उस समय इसका 450 सौ पचास का एक गोली रोजाना लेना है सही होता है प्रॉब्लम सही होने पर इसको छोड़ दीजिए इसको लंबे समय तक भी डॉक्टर दे सकते हैं आमतौर पर प्रॉब्लम सही होने पर इसको छोड़ने की सलाह दी जाती है अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे उल्टी गया की समस्या होती है साथ साथ इससे थोड़ी कमजोरी बेचैनी आदि की समस्या आपको हो सकती है अनिद्रा की समस्या हो सकती है तो इस प्रकार की कोई समस्या हो तो डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान आप कर सकते हो और अगर बात करें कि अल्कोहल के साथ में इसको लेना चाहिए तो देखिए अल्कोहल के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साथ साथ अगर किसी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज है लीवर किडनी से संबंधित तब भी आप डॉक्टर की सलाह के बिना इसके इस्तेमाल ना करें लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बेस्ट फीडिंग मदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको भी अगर जरूरत ना हो ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका जो कम एमजी का टैबलेट होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए तो डेरीफाइलिन ओडी 300 और 450 फिफ्टी एम का जो टैबलेट होता है इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूछ सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत